असंध हलका से कांग्रेस पार्टी के मजबूत दावेदार रेखा गुज्जर सिरसी ने सभी पदों से इस्तीफा ले लिया है। उन्होंने यह जानकारी करनाल में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब की बार टिकटों में खरीद फरोख्त हुई है। एक नेता ने पूरे हरियाणा कांग्रेस को बेचने का काम किया है। जी हाँ, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थकों को पार्टी से निकालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनका नाम केंद्रीय कमेटी तक चला है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पैसे लेकर टिकट को बेचने का काम किया है, जिससे पूरे हरियाणा में काम करने वालों को तवज्जो नहीं दी गई। इससे हताश होकर उन्होंने पार्टी में अपने पद महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव व पिछड़े प्रकोष्ठ की प्रदेश वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया और कहा कि जल्द ही अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर फैसला करेगी और जो हलका संघ में जो कैंडिडेट ईमानदार व मजबूत होगा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उसका साथ देने का काम करेगी, वो उसको जिताने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। इस अवसर पर महिला कांग्रेस ब्लॉक प्रधान राज शर्मा, उप प्रधान कृष्णा, बैकवार्ड प्रकोष्ठ महासचिव गौरव, किसान सेल से महावीर सिंह, सोमवीर, गजे सिंह, विपिन मल्होत्रा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रेखा गुज्जर के साथ चलने का आह्वान किया। आज बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा कि हमने कांग्रेस पार्टी में 15-20 सालों से जी जान से मेहनत करी है और आज पार्टी ने हमें एक तरफ बैठा दिया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिनका कोई जनाधार नहीं है। हमें इस बात का दुख है। यहाँ पर मेरी टिकट की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात कर रही। जिन जिन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए थी उन लोगों को टिकट नहीं मिली, ऐसे व्यक्तियों को टिकट मिली जिनका कोई नाम भी नहीं है। तो मेरा पार्टी पर ये इल्ज़ाम है कि पार्टी ने टिकटों को बेच दिया है। कुछ नेता पार्टी में ऐसे गद्दार हैं जो स्वार्थ की राजनीति कर रहे और पूरे हरियाणा को बेच दिया अपने स्वार्थ के लिए। तो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेता बैठे हैं जो राहुल जी को और राहुल गांधी जी की टीम को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं अपने महिला कांग्रेस के महासचिव पद से और हरियाणा प्रदेश ओबी सेल के पद से अपना इस्तीफा दे रही और अशोक तंवर जी के नेतृत्व में मैं आगे काम करूंगी। जहां पर भी अशोक तंवर मुझे जिम्मेवारी देंगे मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगी। और मेरी अपील यही है राहुल गांधी से जी से कि वे आगे आकर पार्टी में ये जो चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी को संभालने का काम करे, नहीं तो जैसी स्थिति पार्टी की अब है इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो राहुल जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो पार्टी में जो कुछ हो रहा है इसको देखने का काम करे और मेरी आगे की रणनीति ये रहेगी कि असंध हलके में जो भी अच्छा साफ छवि का समाज सेवी कैंडिडेट होगा मैं उसका समर्थन करूँगी और उसे जिताने का काम करूंगी। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। हम कल अपनी मीटिंग रखेंगे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, तो इस पर हम विचार करेंगे। जो भी कैंडिडेट हो, किसी पार्टी का भी हो, कांग्रेस ने छोड़ के वो किसी भी पार्टी का हो, हम उनका साथ देंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। मैंने अपने पदों से भी इस्तीफा दिया और पार्टी से भी। अभी मैंने कोई पार्टी के बारे में अभी कोई मेरा कोई प्लान नहीं है। जहाँ पर अशोक तंवर जी जाएंगे मैं उनके साथ पार्टी में काम करूँगा। मैं टिकट कटने से भी नाराज हूँ। देखो, मैं सोनिया गांधी जी कहती थी कि भाई महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी लेडीज को आगे लेकर आए। ये जो 9 टिकटें दी हैं तो इनमें जो पहले ही लेडीज मजबूत थी, विधायक थी, मंत्री की बेटियां थी या अपने पदों पर पहले ही स्थापित थी, तो ऐसी महिलाओं को टिकट दिया। अब जो महिला कांग्रेस में मजबूत कैंडिडेट थी महिला, उनको टिकट नहीं दिया। कहीं मेरी टिकट की नहीं, मैं और महिलाओं की भी बात करती हूँ जिन्होंने मजबूती तक काम कराया, उनको दूर बैठाने का काम किया पार्टी ने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।